सुप्रिया सुले जी, दो दिन से महाराष्ट्र में बड़ी अस्वस्थता हो रही है। दो साल पहले महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन जो शुरू हुआ, उन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए लेकिन बहुत शांतिपूर्वक हुए। सरकार से भी बात हुई और सरकार ने कमिटमेंट भी दिया था कि जल्द से जल्द मराठा समाज को वो आरक्षण देंगे। उसके बाद दो दिन पहले एक काका साहेब शिंदे की जो जल समाधि उन्होंने ली, उसके बाद हर जिले में महाराष्ट्र में आज अस्वस्थता है। पुलिस और बच्चों में बड़ा कन्फ्रंटेशन हो रहा है। मैं आपके माध्यम से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से भी आप बात करें ऐसे विनती करती हूँ, क्योंकि मराठा आरक्षण को जो शब्द धनगर मराठा दोनों को बीजेपी के मैनिफेस्टो में है कि वो आरक्षण देंगे और बहुत अच्छी तरह से आज तक डायलॉग हो रहा था, लेकिन दो तीन दिन से बहुत बड़ा लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू हो चुका है। आज महाराष्ट्र में बंद है, नासिक, रायगढ़, ठाणे सब जगह बंद पुकारा गया है, लेकिन एक चीज़ है कि वो शांतिपूर्वक हो रहा है। और उन्होंने कहा है कि स्कूल, कॉलेजेस, एम्बुलेंसेज, हॉस्पिटल्स अच्छी तरह रहे, तो मराठा मोर्चा कोशिश कर रहा है कि कुछ डायलॉग करे, कोई तो जिम्मेदार, नहीं तो माननीय मुख्यमंत्री इनसे बात तो करे कि इशू क्या है। इशू सबको पता है, लेकिन आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री उल्टी सुलटी चीजें मीडिया में आ रही है, उससे गलत फहमी और बढ़ रही है और महाराष्ट्र आज लॉ एंड ऑर्डर का बड़ा क्राइसिस चल रहा है। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रही थी कि इस मराठा समाज और धनगर समाज को जो न्याय देना चाहिए वो आप न्याय दे दें। थैंक यू।